शिमला में भयंकर बवाल। हिमाचल की राजधानी शिमला के संजौली में मस्जिद को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। दो समुदाय के युवकों में तीखी झड़प के बाद मस्जिद को गिराने की मांग हो रही है। शिमला के चौड़ा मैदान में बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के लोगों ने बड़ा प्रदर्शन किया। विवादित मस्जिद और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। हिंदू संगठनों के लोगों ने संजौली चौक से लेकर ढली टनल तक रोष मार्च निकाला। दावा है कि हिंदू संगठनों ने मामले में अब सरकार को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। आरोप है कि संजौली में बाजार के ठीक साथ में बनी मस्जिद पर अवैध मंजिलें बनी हैं। मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर विधानसभा में पक्ष और विपक्ष में तकरार हुई। सुक्खू सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भी अवैध निर्माण पर प्रशासन का घेराव किया। मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने अवैध निर्माण को तुरंत हटाने की मांग कर धरना स्थल भी पहुंचे। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक संजौली मस्जिद जो बनी है उसका मामला है, मैं ये बोलना चाहूँगा, पहली बात तो कोई भी अवैध निर्माण जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात मैं ये भी साथ बोलना चाहूँगा, ये मंदिर जो मस्जिद का विवाद है, कोई भी मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई धर्मस्थल हो, उसकी परमिशन जो है बनाने के पूर्व जो है वो SDM से या DC से लेनी पड़ती है। उसके लिए नहीं ली गई बनाने से पहले। फर्स्ट, जमीन उसकी हिमाचल प्रदेश सरकार की है, केवल वो कब्जाधारी है। सेकंड, जब कब्जाधारी है, जमीन सरकार की है, मालिकाना हक नहीं है, तो नक्शा पास नहीं हो सकता। 2010 में कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, तब से उनका केस जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में अटका हुआ है। करीबन 44 पेशियां जो है उनकी लग चुकी हैं। उसके बाद उन्होंने वॉयलेशन पे वॉयलेशन करके 4 मंजिल तक पहुंचा दिया, पूरे रिकॉर्ड के ऊपर है ना। कोई आम आदमी बनाए, उसके लिए तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बिजली पानी काटने का प्रावधान फटाफट नोटिस भेज देती है। मैं समझता हूँ, तो इनका अभी तक क्यों नहीं काटा गया है? जब आम आदमी का कट रहा है तो इनका कटना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। ये दिस इज नॉट जस्टिस। हिमाचल CM सुक्खू ने कहा कि किसी को भी कानून हाथ में लेने का हक नहीं है। वहीं हिमाचल सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस मुद्दे पर सावधानी बरतने की अपील की। एक मस्जिद के बनाने का विषय जो है वो तूल पकड़ रहा है, कई मीडिया में भी आया है, सोशल मीडिया में भी आया है, और कुछ उसमें जो समाज के लोग हैं उन्होंने उसके ऊपर टीका टिप्पणी भी करी है। तो उसमें मैं तो ये कहूँगा कि सरकार द्वारा कार्रवाई जहाँ तक उसके स्ट्रक्चर के इलीगैलिटी की है उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई करवाई जा रही है। अभी तो क्योंकि ये मैटर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर है शिमला के, उनके अधीन है, विचाराधीन है, काफ़ी लंबे समय से वहाँ पर पेंडिंग है। तो उसमें कितना स्क्वायर फुट अलाउड है, कितनी परमिशन उसमें ली गई है और कितनी नहीं ली गई है, वो तो वहीं पर ही उसका तय होगा अल्टीमेटली कि व्हाट इज द डिसीजन, और उसके बेसिस पर गवर्नमेंट एक्ट करेगी। अगर इलीगल है तो निश्चित तौर से उसके ऊपर कार्रवाई करवाई जाएगी, इसका मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। मस्जिद पर बढ़ते विवाद के बीच AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी प्रतिक्रिया दी है।
ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा कि हिमाचल की मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत। जमीन उसकी हिमाचल प्रदेश सरकार की है, केवल वो कब्जाधारी है। ओवैसी ने हिमाचल के मंत्री का वीडियो शेयर कर कहा ये बीजेपी की जुबान में बोल रहा है। 2010 में कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, तब से उनका केस जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अटका हुआ है। करीबन 44 पेशियां जो है उनकी लग चुकी।